नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बिहारी न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ नेहा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्स चुनाव को लेकर तैयारियां की तेज। पटना एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश का आकस्मिक दौरा। बिहार में रफ्तार का बहार, एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे बिहार के 8 जिले। इस साल 1 लाख अधिक बच्चों को मिलेगा मध्याह्न भोजन का लाभ। तलाक के बाद बेटे से मिले हार्दिक पांड्या, तस्वीरें वायरल। अब खबरें विस्तार से। राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्स चुनाव को लेकर तैयारियां की तेज। राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने नवंबर 2024 में प्रस्तावित पैक्स चुनाव के लिए तैयारियां जो है तेज कर दी है। इस बार मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से होगा, जिसमें मतदाताओं को 5 पदों के लिए वोट देने का मौका मिलेगा। पिछले बार की तरह इस बार भी कार्यकारिणी पदों पर आरक्षण व्यवस्था बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। सचिव पुरुषोत्तम पासवान ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर जानकारी दी है कि सितंबर माह में क्षेत्रीय स्तर पर उप विकास आयुक्तों का प्रशिक्षण पहले होगा। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, DIO, जिला की उप निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक निबंधक, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण की व्यवस्था से राज्य के 38 जिलों के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सहरसा और पूर्णिया में भी की गई है। 2 IAS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, कई अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के 2 IAS अधिकारियों के तबादले के साथ ही 4 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इस निर्णय के तहत पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह को नगर विकास एवं आवास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें IT विभाग और पटना मेट्रो रेलवे निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वित्त विभाग के सचिव दीपक आनंद को श्रम संसाधन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है और उन्हें अगले आदेश तक ये अतिरिक्त प्रभार निभाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कपिल अशोक को बिहार राज्य पथ विकास निगम पटना के प्रबंध निदेशक से राज्य पूर्व निर्माण निगम लिमिटेड पटना के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नीलेश रामचंद्र देवरे को विशेष सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिहार में युवाओं के बीमार होने की दर में तेजी से वृद्धि। बिहार से एक चिंताजनक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि राज्य भर में युवाओं के बीमार होने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि 1 माह के भीतर जुलाई में सरकारी अस्पतालों में 25,91,000 मरीजों ने इलाज के लिए अपना रुख किया है। इन मरीजों में सबसे अधिक 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 7,80,000 लोग शामिल हैं। इसमें से विशेष रूप से 5,20,000 युवतियां शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई माह में 5 वर्ष तक के 2.5 लाख बच्चों को भी अस्पतालों में लाया गया। अधिकांश मरीजों को अस्पतालों से मुफ्त दवाएं प्राप्त हुई। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि सबसे अधिक मरीज दर्द, बुखार, शारीरिक कमजोरी, डायरिया और कालरा जैसी बीमारियों से पीड़ित थे। पटना एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश का आकस्मिक दौरा। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां चल रहे निरीक्षण कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। इस निरीक्षण के दौरान सीएम ने अधिकारियों को पटना एयरपोर्ट के निर्माणाधीन काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम नीतीश ने कहा कि सभी निर्माण कामों को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि विकास की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए। बता दें कि सीएम नीतीश इसके पहले पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, नवादा और सहरसा समेत कई जिलों का दौरा किया है और वहाँ के निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के लोगों को विभिन्न सौगातें भी दी हैं। बीपीएससी 70वीं परीक्षा के लिए 800 से अधिक पदों पर होगी भर्तियां। बीपीएससी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है कि आगामी 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 800 अधिक पदों के विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू की जाएंगी। ये विज्ञापन कुछ विभागों की ओर से रिक्तियों के इंतजार के कारण थोड़ी देरी से जारी किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि ये संख्या 1,000 तक पहुँच सकती है। पिछले 2 सत्रों की तुलना में इस बार सबसे अधिक पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएंगी। वही बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। पहले ये परीक्षा जो है 30 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन अब नई संभावित तिथि 17 नवंबर घोषित की गई है। इसके साथ ही जल्द ही परीक्षा का विज्ञापन जारी किए जाने की संभावना है।
बिहार में रफ्तार का बहार, एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे बिहार के 8 जिले। औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की प्रगति पकड़ चुकी है। इस परियोजना के तहत पटना जिले के धनरुआ और फतुहा अंचलों में भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है। पटना जिले में 12 मौजे में कुल 205.25 एकड़ भूमि अर्जित की गई है। इसके लिए 123.24 करोड़ रुपए का मुआवजा आवंटित किया गया है, जिसमें से 66.56 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक किया जा चुका है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी रैयतों से जरूरी दस्तावेज जल्द से जल्द जमा कराया जाए, ताकि लंबित मामलों का निपटारा शीघ्र किया जा सके। इस साल 1 लाख अधिक बच्चों को मिलेगा मध्याह्न भोजन का लाभ। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना को लेकर खबर है। बता दें कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.09 करोड़ बच्चों के लिए इस योजना की स्वीकृति दी है। शिक्षा विभाग ने पहले 1.19 करोड़ बच्चों के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसमें कटौती कर 1.09 करोड़ का मंजूरी दी गई है। इस योजना के लिए कुल 2179 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बता दें कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 1 लाख अधिक बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने 8,569 योजनाओं का किया सफल निरीक्षण। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने 8,569 जलापूर्ति योजनाओं का निरीक्षण पूरी तरह से कर लिया है। निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों को दूर कर योजनाओं के संचालन में सुधार किया जा रहा है। ये निरीक्षण जीरो ऑफिस डे के तहत किया गया है। बता दें, प्रधान सचिव पंकज कुमार के निर्देश पर विभागीय अधिकारी प्रत्येक सप्ताह एक दिन क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें अब तक अधिकारियों ने 1,539 पंचायतों की 8,569 योजनाओं का निरीक्षण कर लिया है। इस निरीक्षण में योजनाओं की क्रियाशीलता, भू जल स्तर, चापाकलों की स्थिति और मरम्मत की गई चापाकलों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। अब 1 साल के भीतर प्रत्येक विभाग की प्राथमिकताएं की जाएंगी तय। बीते दिन मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने एक बैठक की। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को नए निर्देशों के बारे में अवगत कराया गया। राज्य सरकार ने अपने सभी 45 विभागों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब 1 साल के भीतर प्रत्येक विभाग की प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से तय की जाएंगी। इसके तहत विभागों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी वर्ष में कौन सी काम करेंगे, इसका पूरा निर्धारण किया जाएगा। साथ ही सरकार ने बजट के उपयोग की निगरानी को भी और सख्त कर दिया है। विभागों को यह भी रिपोर्ट करनी होगी कि उन्होंने आवंटित बजट में से कितना पैसा खर्च किया और कहां-कहां व्यय में व्यवधान आया। जमीन में घूस लेने के आरोप में भूमि सुधार उप संहर्ता गिरफ्तार। बीते दिन बिहार के निगरानी विभाग ने सरकारी प्रोजेक्ट की जमीन के विवाद के समाधान के नाम पर घूस लेते हुए सिवान के महाराजगंज के भूमि सुधार उप समाहर्ता राम रंजन सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार DCLR के आवास पर छापेमारी के दौरान टीम ने कई अहम दस्तावेज, कागजात और भारी मात्रा में नकदी बरामद की है। फिलहाल इस मामले की जाँच जारी है और DCLR से पूछताछ की जा रही है। बिहार में डेंगू का कहर, 33 नए मामले आए सामने। बिहार में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में राज्य के विभिन्न जिलों से 33 नए डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक 16 नए मरीज पटना जिले से सामने आए हैं। इसके अलावा गोपालगंज, सिवान में 3-3, बेगूसराय और पूर्णिया में 2-2 और भोजपुर, गया, खगड़िया, नालंदा, नवादा, रोहतास और सारण में 1-1 मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं पटना में कंकड़बाग और अजीमाबाद इलाका डेंगू का हॉटस्पॉट बन चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी जिला को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मच्छर लार्वा संघरण और जांच कराने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का निर्देश भी जारी किया गया है। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए बेड सुरक्षित रखने के आदेश भी दिए गए हैं। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस, जानिए।
आज राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस है। बता दें कि जंगल की बेजुबान जानवरों की संख्या विलुप्त होने से कैसे बचे, उनका संरक्षण कैसा किया जाए, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, इन्हीं को ध्यान में रखकर हर साल 4 सितंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का प्रचलन वर्ष 2005 में कोलिन पैगी नामक एक वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ और परोपकारी व्यक्ति द्वारा की गई थी। वही अगले साल यानी 2006 में वन्यजीव संरक्षणवादी स्टीव इरविन के निधन के बाद उनकी स्मृति में ये खास दिवस मनाया जाता है। पटना से अयोध्या की सीधी उड़ान सेवा हुई बंद। स्पाइसजेट और इंडिगो की एक एक फ्लाइट जो पटना से डायरेक्ट अयोध्या जाती थी उसे बंद कर दिया गया है। पहले की तरह सप्ताह में 4 दिन पटना से देवघर की सीधी फ्लाइट की सेवा दी जाएगी। इन चारों दिनों में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार का दिन शामिल है। एयरपोर्ट को लेकर प्रशासन की तरफ से नया शेड्यूल भी जारी किया गया है जो 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। इस शेड्यूल के तहत पहली फ्लाइट बेंगलोर के लिए सुबह 8:05 पर रवाना होगी, वही आखिरी उड़ान सेवा हैदराबाद के लिए रात में 10:20 पर है। तेजस्वी बोले, बिहार में अपराध के आंकड़े रूह को झकझोरने वाले। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की सरकार पर तीखा हमला करते हुए हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ आपराधिक आंकड़े साझा किए हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा कि रूह को झकझोरने वाले विगत चंद दिनों के आपराधिक आंकड़े, अगर इन डरावनी घटनाओं के भयावह आंकड़े देखकर भी आपको बिहार में सब सही दिखाई दे रहा है तो मतलब सब ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की सरकार को घेरते हुए इन आंकड़ों के माध्यम से सरकार की नाकामी को उजागर करने की कोशिश की है। उन्होंने कुल 79 आपराधिक मामले को साझा किया है। तलाक के बाद बेटे से मिले हार्दिक पांड्या, तस्वीरें हुई वायरल। भारतीय क्रिकेट के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की निजी जिंदगी ने हाल ही में एक नया मोड़ ले लिया है। खबरों के मुताबिक तलाक के बाद उनकी पत्नी अपने बेटे अगस्त्य के साथ भारत छोड़कर सर्बिया चली गई थी, लेकिन अब 1.5 महीने के अंतराल के बाद नताशा ने भारत वापसी की है और इस वापसी के साथ ही सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। ये तस्वीर हार्दिक पांड्या के घर की है जहां उनका बेटा अगस्त्य पहुंचा है। ये तस्वीर पांड्या की भाभी पांखुड़ी द्वारा साझा की गई है और इसमें अगस्त्य को अपने पिता के घर में देखा जा सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद अरमान, रवि, मोहन वर्मा, सादुल्ला पलवी, राकेश मिश्रा, मुन्ना प्रसाद, अजीत कुमार, संजीव कुमार, मोहम्मद साजिद अंसारी, नौसाद रजा, रवि कुमार राम, वजर अहमद, जूली पटेल, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद अजमेर, मोहम्मद साकिर हुसैन, ब्रिज मोहन कुमार, राम बाबू दास, रूपा कुमारी, दीपू सहनी, अरुण प्रभाकर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपकी नज़र में समाज में सबसे ज़रूरी बदलाव कौन सा होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।